फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी के अप्पे। इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये आप सुबह की भागदौड़ में फटाफट 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सूजी के अप्पे। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं सूजी के अप्पे। सूजी के अप्पे बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए। ये देखिए, इस कप से हम 2 कप सूजी लेंगे। मैंने यहाँ पर बारीक वारी सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 कप दही मिलाएंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाकर इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन रखकर 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है और हमारा जो बैटर है वो और भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। ये देखिए, तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटे से बर्तन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को हम अच्छे से तड़कने देंगे, नहीं तो ये कड़वी लगेगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 10-12 कड़ी पत्ते। एक बार हम इसे चम्मच से चला लेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। उसके बाद ये तड़का हम सूजी के बैटर में मिला लेंगे। तड़के को हम अच्छे से बैटर में मिला लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमने तड़के को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां मिलाएंगे। सब्जियों में मैंने लिया है 1 बारीक कटा हुआ गाजर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 हरी मिर्च, 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अब हम एक एक करके इन सारी सब्जियों को बैटर में मिला लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें मिर्ची पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आखिरी में इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, उसके बाद से हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से फूला फूला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अप्पे बनाएंगे। ये देखिए, अप्पे बनाने के लिए मैंने अप्पे मोल्ड को गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। ये आपको किसी भी दुकान में या ऑनलाइन में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम इन सारे सांचों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्पून से भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद हम इन सारे सांचों में बैटर डालेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसमें ऊपर तक बैटर भरेंगे तभी हमारे जो अप्पे हैं वो अच्छे से गोल गोल फूले फूले बनेंगे। अगर आप इन्हें थोड़ा खाली खाली भरेंगे तो ये थोड़े से चपटे बनेंगे।
इसलिए हमें इसे ऊपर तक भरना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम एक एक करके इन सारे साँचों को अच्छे से भर देंगे। ये देखिए, हमने सारे साँचों को अच्छे से भर दिया है। अब हम इसे ढक्कन रखकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अप्पे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब हम ब्रश की मदद से इनमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ पर चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम चम्मच की मदद से एक एक करके इन्हें पलटी करेंगे। वाओ, ये देखिए, ये एक तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। आप देखिए, इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरे साइड से भी पलटकर दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इन्हें ढककर नहीं सेकेंगे, ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक चुके हैं। वाओ, ये देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन सारे अप्पों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से हमारे हेल्दी और टेस्टी सूजी के अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आप बच्चों के ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लिए टिफ़िन में इंस्टेंटली इसे जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप नारियल की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए, ये दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही हेल्दी बने हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।